डर एक एहसास में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिसे हमारे साथ शेयर किया है पंजाब के एक छोटे शहर नवा शहर में रहने वाले मनिंदर सिंह ने। मनिंदर एक सरकारी टीचर हैं जो हर रोज 90 किलोमीटर के आसपास लोहिया गांव में पढ़ाने के लिए जाते हैं। उनका परिवार नवा शहर में ही रहता है, इस कारण वो हर रोज अप डाउन करते हैं। मनिंदर को इतना सफर करने की आदत है जो वो ज्यादातर बस में ही करते हैं, लेकिन कभी कभी बस ना मिलने के कारण उनको ये सफर अपनी बाइक से करना पड़ता है। ये बात है पिछली सर्दियों की। मनिंदर हर बार की तरह सुबह जल्दी उठा था, लेकिन पंजाब में बस एक दिन के लिए बंद थी। मनिंदर को बाइक से ही जाना पड़ा था। सुबह मनिंदर स्कूल लेट पहुंचा क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा पड़ चुकी थी। इसका नुकसान मनिंदर को शाम को हुआ। उसका बहुत सारा काम पेंडिंग था, इस कारण शाम को उसे बहुत देर होने वाली थी। दिन शनिवार का था तो मनिंदर ने भी सोचा, कल छुट्टी है, आज सारा काम खत्म करता जाऊं। मनिंदर को काम करते करते 7 बज गए। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था, ऊपर से धुंध भी बहुत ज्यादा थी। मनिंदर लेट हो चुका था तो मनिंदर को ख्याल आया कि अगर वो मेन रोड से जाए तो लेट हो सकता है, लेकिन अगर वो शॉर्टकट ले ले तो 15-20 मिनट का फर्क पड़ सकता है। मनिंदर इस रास्ते से कई बार आ चुका था, लेकिन वो कभी इतनी रात को इस रास्ते से नहीं आया था। ये रास्ता हमेशा खाली रहता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेचिराग गांव पड़ते थे। बेचिराग गांव वो होते हैं जहां पर कोई नहीं रहता। उस शाम मनिंदर इसी रास्ते से गया। उस रास्ते पर धुंध बहुत ज्यादा थी क्योंकि वहां पर पेड़ ही पेड़ थे और वो रास्ता भी सुनसान था। जब मनिंदर उस गांव के बीच से जा रहा था, मनिंदर को सामने रास्ते में एक लड़का मिला जो 18-20 साल का होगा। उसने शॉल ओढ़ी हुई थी। मनिंदर भी धीरे हो गया। उस लड़के ने आवाज लगाई, भाई मेरे को भी ले जा, लेकिन मनिंदर नहीं रुका। ये रास्ता सुनसान था और वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। मनिंदर को डर था, यहां रुकने पर कोई चोर भी कुछ कर सकता है। मनिंदर ने बाइक तेज कर ली और वो लड़का आवाज लगाता रहा। थोड़ा आगे जाकर मनिंदर को वैसा ही लड़का फिर से मिला। जब मनिंदर उसके पास पहुंचा तो वो हैरान था। वही लड़का यहां भी खड़ा था, उसकी वही आवाज, भाई मेरे को भी ले जा। मनिंदर थोड़ा घबराया और वो बाइक तेज करके आगे निकल गया। वो बार बार सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दो जगह एक ही समय पर हो। थोड़ा आगे जाने पर मनिंदर को वही लड़का फिर से रोड पर दिखा। मनिंदर अब थोड़ा डर गया था। मनिंदर ने बाइक तेज की और उन गांव से बाहर रोड पर आ गया। मनिंदर थोड़ा डर गया था क्योंकि ये बड़ी ही अजीब बात थी। मेन हाईवे से वो नवा शहर वापिस आ गया। घर आकर मनिंदर ने सबको ये किस्सा बताया। सब उसे कह रहे थे वो उस रास्ते से आया ही क्यों, वहां चोर हो सकते हैं। मनिंदर ने फोन लगाकर ये किस्सा साथी टीचर को बताया जो उन गांव के पास रहता था। तब उसने बताया कि लोग कहते हैं वहां एक 18-20 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। वहां से जाने वाले लोगों को कई बार वो नजर आता है। जो उसे लिफ्ट देता है वो उसके साथ भी ऐसा करने की कोशिश करता है। मनिंदर डर गया था क्योंकि उसने लिफ्ट नहीं दी थी, यह आखिरी बार था। उसके बाद मनिंदर दिन के वक्त भी कभी उस रास्ते से नहीं गया। दोस्तों, अगर आप भी हमसे अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, उसमें आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर और भी वीडियोस बनाएं तो कमेंट जरूर करें।